मैं तो नौजवान हूँ यार जी, 82 साल हो गए लेकिन तब भी मैं नौजवान हूँ। मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, आईएएस का स्टूडेंट हूँ। हाँ। और राहुल गांधी से एक ही चीज कहना है कि वो जितनी भी इस तरह का यात्रा है वो करे, 2024 में भारत का प्राइम मिनिस्टर बने। देश ஒற்றுமைக்காக தேச நலன் கருதி மாற்றம் வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக டெல்லியை நோக்கி மக்கள் நீதி மய்யம் இன்று அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றது। भारत जोड़ो यात्रा 9 रियासतों से गुजरते हुए हफ्ते को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल हो गई। मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। वजीर सेहत ने राहुल गांधी को खत भी लिखा कि कोविड वबा के बढ़ते हुए मुबैना खतरे के पेश नज़र यात्रा और उसके शुरका को कोविड के आदाब का ख्याल रखना चाहिए, जिसके जवाब में कांग्रेस ने सख्त एतराज़ किया कि यह यात्रा को ख़त्म करने की चाल है। जब यात्रा हरियाणा से नई दिल्ली में दाखिल हुई तो ज़बरदस्त पजीराई की गई। यात्रा में दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर वगैरह भी नज़र आए। 3000 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके 9 रियासतों से गुजरते हुए दिल्ली पहुंची यात्रा गांधी जी की समाधि राजघाट पर हाज़िरी देने के बाद 8 दिन के लिए ब्रेक लेगी और फिर यूपी, बिहार, पंजाब और कश्मीर के लिए यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, आईएएस का स्टूडेंट हूँ। हाँ। और राहुल गांधी से एक ही चीज़ कहना है कि वो जितनी भी इस तरह का यात्रा है वो करें, 2024 में भारत का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि भारत में बेरोजगारी दर बहुत अधिक, भारत सरकार तो कहती है कि 8% बेरोजगारी दर है, लेकिन मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम जॉब है, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया साल का है, तो हमें अपना बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि बहुत सारे युवाओं को नौकरी करने का मौका मिल सके। और अगर हम अपना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ाए, जो ग्रोथ रेट चल रहा है हमारा 4% 5%, हम हमेशा ही चाइना से पीछे रहेंगे, इससे पीछे रहेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी की इस हिंदुत्व वाली पॉलिसी से, हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिसी से हमको छुटकारा दिलाएं, कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करें, आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव है उसको जीते और 2024 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और मेरा आखिरी अपील कि रघुराम राजन जो कि पूरे दुनिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनको वित्त मंत्री बनाएं और देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर जॉब्स को क्रिएट करें। देख रहे हैं हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि दोनों भी सड़कों के दोनों भी जानी आवाम खड़े हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करने के लिए। आइए हम आप बात करते हैं मणिशंकर अय्यर जी से। मणिशंकर अय्यर जी, आप इतनी उस उम्र में भी जो है यहाँ हाजिर हुए हैं, इस उम्र में भी आप यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं तो नौजवान हूँ यार जी, 82 साल हो गए लेकिन तब भी मैं नौजवान हूँ जी। तो ये इस यात्रा से आप क्या समझते हैं, क्या पर्पस हासिल होगा कि भारत को जोड़ रहे हैं? लक्ष्य मात्र एक है कि हम भारत को जोड़ें, जहाँ की ये लोग भारत को टुकड़ा टुकड़ा बना रहे हैं, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी राहुल गांधी महात्मा गांधी के राजघाट पर पहुँचने वाले हैं। तो अब आप कहाँ तक पैदल चलेंगे, आप पैदल कहाँ तक चलेंगे? मैं तो समय समय पर जुटता हूँ और जब तक कि मैं चल सकता हूँ मैं चलता हूँ। अच्छा। ज्यादा दूर नहीं है लेकिन जहाँ तक कि हो सके मैं चलता हूँ। क्या आप समझते हैं कि ये यात्रा के नतीजे में लोगों को मैं बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे पास की जो आवाम है ना वो गलेबल टाइप की है ज्यादातर। आप घूम कर देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ जाता है कि पार्टी पुनर्जीवित हो गई है, एक नया उत्साह आया है, और कि अब हम जानते हैं कि जीतना संभव है। तो इसलिए ये जो बताया जाता था कि पार्टी मर गई है, ये बिल्कुल गलत है, और हमने दिखा दिया है इस यात्रा के दौरान कि कांग्रेस अब है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। कोई कह रहा है कि भारत को जुड़ना चाहिए, सब प्यार मोहम्मद से रहना चाहिए, तो हम उसके साथ लगेंगे ना। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, सब भारतवासी एक जैसे लोग। तो लेकिन सियासत के लिए जिस तरह से जो तोड़ा जा रहा है भारत को, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा? सिर्फ एक यात्रा से तो वो मकसद हासिल नहीं होगा। मगर ये शुरुआत तो है, कहीं तो शुरू करना। देखो, एक एक बूंद से समुंदर का पानी बढ़ता है, तो ये हमारी बूंद है कि हम यहाँ खड़े हैं इनके साथ। व्हाट इज योर टेक? मैं चाहती हूँ कि भारत और आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से पीछे छोड़ दिया है और हमारे रोजगार बंद कर दिए, वो सबको मिले।
बस मैं इतना ही कहना। भारत जोड़ो यात्रा जो दिल्ली में दाखिल हुई है उसके साथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ गाड़ियों जाने को भी रास्ता दिया गया है, ट्रैफिक को नहीं रोका गया है और लोग वो पूरे जोश खरोश के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। सड़क के दोनों जानब लोग खड़े हैं यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए। ये यात्रा जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से निकली थी अब दिल्ली में पहुंच चुकी है। ये 100 दिन से ज़्यादा का अर्सा मुकम्मल कर चुकी है और 3000 किलोमीटर चल चुकी है। अब तक ये रूरल देहाई इलाकों और शहरी इलाकों से गुजरती हुई दिल्ली में दाखिल हुई है, जहां वो शाम के वक्त राजघाट पर पहुंचेगी, महात्मा गांधी की पहुंचेगी। आप देख रहे हैं कि लोगों में जो है जो जोश खरोश नज़र आ रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं और बूढ़े नौजवान बच्चे सभी इसमें नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के शहराओं से गुजर रही है। यह पुराना निजामुद्दीन का इलाका है जहां पर अब्दुल रहीम खान का मकबरा भी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो अकबर अब्दुल रहीम खान के मकबरे की तस्वीर भी दिखाए। ये निजामुद्दीन का इलाका है, यहां से यात्रा गुजरी है। अभी अभी राहुल गांधी यहां से गुजरे हैं, उनके पीछे पीछे लोगों का काफिला चला आ रहा है। आप जानते हैं कि ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जो 26 जनवरी को श्रीनगर कश्मीर में ख़त्म होगी। इस यात्रा की जो मकबूलियत है उसने गालिबन मोदी हुकूमत को काफ़ी परेशान कर दिया है। इसी वजह से कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि वो कोविड का बहाना बनाकर इस यात्रा को ख़त्म करना चाह रही है। इस यात्रा में हमने आप देखा कि दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे बुजुर्ग लोग भी और कन्हैया कुमार जैसे नौजवान रहनुमा भी शामिल हैं, जोख दर जोख इसमें शामिल हो रहे हैं। सड़क के दोनों अतराफ लोग खड़े हुए हैं। ये यात्रा अपने मकसद में यानी नफरत मिटाने के मकसद में किस हद तक कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा और कांग्रेस को किस हद तक इस यात्रा से फ़ायदा पहुँचेगा, कांग्रेस में नई तोानाई पैदा होगी या नहीं होगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त जो नज़र आ रही है वो यही है कि कांग्रेस के वर्करों में, कांग्रेस के लीडरों में, कांग्रेस के तंजुमों में काफ़ी जोश नज़र आ रहा है और वो जो है पूरे जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने जहां पर भी हम दौसा में भी गए थे, दूसरे जगह भी गए थे, हमने देखा कि लोग जो है वो यात्रा का इस्तकबाल कर रहे हैं। अपने तौर पर जो है मेहमान जो यात्रा में जो लोग शुरुआत चल रहे हैं उनके इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो इसका जो यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है और उम्मीद है कि ये यात्रा जो है अब यहाँ दिल्ली में 8 दिन के लिए ब्रेक लेगी और उसके बाद फिर दोबारा ये रिवाइव होगी, इसका अहिया होगा, दोबारा शुरू होगी और यूपी बिहार वगैरह के और जम्मू कश्मीर के इलाकों में जाएगी। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।